हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस अलमांडा के प्लांट के बारे में बताऊंगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें ढेर सारी कलियां आई हैं और ढेर सारे इसके फूल आए हैं, बिना कोई खाद, बिना कोई फर्टिलाइज़र को यूज़ करे बगैर। और इसका वीडियो मैंने पहले भी डाला था। हमेशा इसमें इस तरीके से ही फूलों की बारिश होती रहती है और बहुत अच्छे ग्रोथ में रहता है मेरा ये प्लांट। और इसकी कलियां इस तरीके से होती है फ्रेंड, इस तरीके से गुच्छों में आते हैं ये और बहुत दिनों तक खिले हुए रहते हैं और बहुत सारे मुरझा भी रहे हैं यहाँ पे। नहीं, पॉट में लगा हुआ पौधा बिना कोई खाद, बिना कोई फर्टिलाइज़र के इस तरीके से हैवी फ्लावरिंग कैसे कर सकता है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं इसमें क्या करती हूँ फ्रेंड। इसमें मैंने यहाँ पे एक ये कैन, आपने देखा होगा हमेशा ये वाइट कलर का कैन यहीं पे रहता है, यानी कि मैं इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाती हूँ और उसका जो भी लिक्विड निकलता है इसमें निकल जाता है फ्रेंड। ये ब्लैक वाला आपको दिख रहा है, तो ये जो ब्लैक ब्लैक है इसका ये लिक्विड निकलता है, जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है एक तरह का। प्लांट के लिए जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए फ्लावरिंग के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में वो सब कुछ रहता है, जिससे हमारे पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो बहुत दिनों से ना ही मैंने मिट्टी की गुड़ाई की है, ना ही कोई खाद डाला है, ना ही कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है, फिर भी मुझे बहुत अच्छे से यहाँ पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिल रही है। और इसका मैंने क्या किया मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऐसा है फ्रेंड, ये है एक पानी का कैन फ्रेंड। मैंने इसके नीचे ड्रेनेज होल बनाया था और मैंने उसमें किचन वेस्ट मैं डालती रहती हूँ और थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी उसके ऊपर से डाल देती हूँ और धीरे धीरे ये कंपोस्ट बनता है और जो भी लिक्विड निकलता है इस पॉट में निकल जाता है। आप देख सकते हैं कैसा है, तो जो भी लिक्विड निकलता है इधर उधर गंदगी भी नहीं होती है, सीधा का सीधा इस पॉट में मिलता है, इस प्लांट की मिट्टी में। इस तरीके से जो भी आपके घर में किचन वेस्ट निकलता है फ्रेंड, फ्रूट के छिलके, अंडे के छिलके, ये सारा कुछ ले लें आप। लेने के बाद थोड़ी सी मिट्टी ले लें, इतना सारा मिट्टी नहीं, थोड़ी सी, दो मुट्ठी मिट्टी। सारा किचन वेस्ट मैंने इसके अंदर डाल लिया है। ये पूरा का पूरा कैन मैंने ओपन नहीं किया है फ्रेंड, नहीं तो बहुत गंदा सा दिखता है और बारिश का पानी भी उसमें चला जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ओपन किया था और उसी में से मैंने सारा डाल दिया है। अब इसमें मैं थोड़ी सी मिट्टी डालूंगी, ऐसे इतनी सी मिट्टी ले ले सिर्फ फ्रेंड, इतनी सी मिट्टी आप लेंगे तो वो काफ़ी रहेगा। इतनी सी मिट्टी लेके सिर्फ इसके ऊपर डाल देना है। डालने के बाद जो आपका कैन रहता है उसे आप लेके जाके सिर्फ आपके पॉट के ऊपर जहाँ पे आपने ड्रेनेज होल बनाया है उसको सही से देखें कि वो एकदम से पॉट के पास नीचे सही से है, नहीं तो पूरा लिक्विड बाहर निकलेगा। तो उस तरीके से रख लें जहाँ पे ड्रेनेज होल बना हुआ है कैन का, वो सीधा का सीधा मिट्टी में रहना चाहिए पॉट के। और इस तरीके से आपका खाद भी रेडी होते रहेगा और आपके पौधे को लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मिलते रहेगा, जिससे आपके पौधों में इस तरीके से अच्छी ग्रोथ होगी और बहुत अच्छा फ्लावरिंग करेगा आपका प्लांट। फिर ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।